नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौतम है। मैं लिवर फिजिशियन एवं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और जीबल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। दोस्तों, वीडियो सीरीज की इस कड़ी में मैं आपको बच्चों की एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम बिलेरी एट्रिजिया है। इसमें क्या होता है, बच्चों को जन्मजात ही पीलिया स्टार्ट होता है और वो पीलिया धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बच्चों में यूजुअली नॉर्मली भी जब जन्म लेते हैं उसके बाद जॉन्डिस होता है जिसको हम न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, और वो पीलिया धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है समय के साथ ही, 15 से 20 दिन एक महीने के अंदर ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब बिलेरी एट्रिजिया होता है जिसमें जॉन्डिस जब एक बार होता है तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। बच्चे के पेशाब लगातार पीली आती है और उसकी जो टॉयलेट लेटरिन होती है वो एकदम पेल या सफ़ेद कलर की आती है। इसमें जो लिवर की जो नली होती है, जो पित्त को लिवर के द्वारा जो बनता है उसको आंत में जो ले जाने के लिए नली होती है, वो एब्सेंट होती है, वो बनती ही नहीं है। इसको हम बिलेरी एट्रिजिया बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार जन्मजात कोई जब लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त कोई इन्फेक्शन हो जाए, वायरस का इन्फेक्शन हो जाए या कोई जेनेटिक मालफॉर्मेशन हो जाए तो उसके कारण से ये होता है। कई बार इसका कोई कारण नहीं भी मिलता है। इसके कई प्रकार के टाइप होते हैं, टाइप 1, 2, 3, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लक्षण इसमें यही होता है कि उसका जॉन्डिस लगातार बढ़ता जाता है, बच्चे का पेशाब पीली होती जाती है और साथ ही उसका लैट्रिन का रंग पेल या सफ़ेद रंग का रहता है। और अगर इसका समय से इलाज ना कराया जाए तो 2 महीने होते होते लिवर खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है और पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है जिसमें बच्चे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लैट्रिन के रास्ते से ब्लीड आएगी या खून की उल्टी होगी और साथ में उसके पेट में पानी बनने लग जाता है जिसको हम असाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका अगर बच्चे का जॉन्डिस लगातार बढ़ता जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है एक महीने के बाद भी, तो तुरंत इसकी जाँच करानी चाहिए। जाँच का बहुत सिंपल तरीका है, हम पहले तो लिवर फंक्शन टेस्ट ही करते हैं जिसमें कॉन्जुगेटेड लिवर का जो बिलिरुबिन का टाइप होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जो लिवर की नली है वो उसमें एब्सेंट होती है, अल्ट्रासाउंड में हमें वो बनी हुई नहीं मिलती है। या MRI भी करा सकते हैं या फिर एक हाइडा स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन होता है, उसको थ्रू भी इसका पता पड़ जाता है। साथ ही हम लिवर की बायोप्सी भी करते हैं तो उसकी बायोप्सी में जब हम देखते हैं तो बिलेरी एट्रिजिया के लक्षण मिल जाते हैं। अगर ये बीमारी है तो इसका दवाइयों के द्वारा कोई इलाज नहीं होता है दोस्तों, इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन होता है। तो अगर बच्चा समय से आ जाता है तो हम पहले इसमें जो ऑपरेशन करते हैं जिसको हम हेपेटो पोर्टो एंटरोस्टोमी बोलते हैं या कसाई ऑपरेशन, एक जापनीज सर्जन थे जिन्होंने इसका सर्जरी का इजाद किया था, उनके नाम पर इसको हम कसाई ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो पहले हम यही करते हैं जिसमें हम आँख को लिवर के जो हाइलम होता है वहाँ पर जाकर जोड़ते हैं और इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, बच्चे बड़ा हो जाता है और उसकी ग्रोथ हो जाती है। और आगे जाकर जब ये सक्सेसफुल नहीं रहता है या आगे जाकर वापस इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हम फिर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। कई बार ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है या बच्चे 2 महीने के बाद पहुंचते हैं, 3 महीने के बाद पहुंचते हैं जब लिवर पूरा ख़राब हो चुका रहता है, तो फिर इस ऑपरेशन में कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में इसका एकमात्र इलाज लिवर ट्रांसप्लांट होता है। अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ आगे जाकर अच्छी रहती है। सबसे पहले जो लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था, जब वर्ल्ड में लिवर ट्रांसप्लांट शुरुआत की गई थी, वो बिलेरी एट्रिजिया के बच्चे में ही की गई थी, एक्सपेरिमेंटल थे जब लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। और उसके बाद अब ये बहुत इस्टेब्लिश थेरेपी बन चुकी है बिलेरी एट्रिजिया के लिए। कई सर्जन्स का तो ये मत होता है कि हमें कसाई ऑपरेशन के बजाय सीधे लिवर ट्रांसप्लांट ही करना चाहिए, उसके बच्चों में लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो दोस्तों, जिस किसी के भी बच्चों को इस प्रकार का कोई लक्षण आ रहा है उनको तुरंत ही स्पेशलिस्ट लिवर डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस बीमारी का प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। नमस्कार।